का नाम राजपाल है और दुल्हन का नाम राजरानी। हमारे कुत्ता से उनके कुत्ते से संपर्क हो गया और उसी से हम लोग शादी कर लिए। ठीक थाने में बकायदा वही पकवान। इस गांव में एक बड़ी अनोखी शादी हुई है जिसमें एक कुत्ता जिसका नाम राजपाल और एक कुतिया जिस फीमेल डॉग जिसे हम बोल सकते हैं उसका नाम राजरानी है। और अभी हम जिस जगह पर खड़े हुए हैं वो उस लड़की पक्षी का घर है। तो दोस्तों हमारे साथ अभी बने रहिएगा, अभी बहुत कुछ होने वाला है। दहेज का सामान कहाँ रखे हैं? दहेज का सामान भी आ रहा है बाहर, वो रस्म हो रही है। भैया 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 पीछे रहो थोड़ा सा। हमने ये जोड़ा आ गया है, दूल्हे का नाम राजपाल है और दुल्हन का नाम राजरानी। आप देख सकते हैं ये जोड़ा कितने शानदार तरीके से बैठा हुआ है। और ये और इस शादी के गवाह पूरे गांव वाले बने हैं। रस्म के लिए जो है यहाँ पे जैसे हम मनुष्यों की शादी में जो है थाल परोसते हैं उसमें सिक्का डालते हैं उसके बाद जो है पूजा पाठ होती है वो सारी चीजें यहाँ पे कराई गई रस्म कराई गई। दहेज का सामान भी आ रहा है बाहर, दहेज का सारा सामान है। व्यवहार वाली काफी व्यवहार लिखा था। ये देख रहे हैं ये मकान, ये जिस मेल डॉग की शादी हुई है राजपाल ये उसका घर है। और अभी हम आपको लेकर चलेंगे सीधे लड़की के घर यानी राजरानी जिस कुतिया की शादी हुई है राजरानी, हम उसके घर भी आपको लेकर चलेंगे और वहाँ का भी माहौल दिखाएंगे। फिलहाल आज यहाँ पे भोज का आयोजन है तो जल्दी ही खाना परोसा जाएगा और मैं आपको दिखाऊंगा। देख सकते हैं पूरा गांव इस समय उमड़ा है। लड़की पक्ष का जिम्मेदार नहीं हमारे शादी के लिए मंगल गीत गा रही हैं राजपाल और राजरानी के लिए। इन दो कुत्ते और कुतियों की शादी हुई है यहाँ पे, उनके लिए मंगल गीत गा रही हैं। शादी का मंगल गीत है जिन दोनों की दोनों की शादी हुई है उनके लिए मंगल गीत गाए जा रहे हैं। और यहाँ पे बगल में भोज का आयोजन भी है जो कि लगातार चल रहा है सुबह से। और आइए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे भोज का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों के लिए खाने की व्यवस्था भी की गई है। खाने में बाकायदा वही पकवान बनाए गए हैं जो कि एक शादी में बनाए जाते हैं। गाँव के वो मंगल गीत हैं जो कि शायद अब शहरों में आपको न सुनने को मिले पर यहाँ पे आज भी वो जिंदा हैं और उन गानों के बोल भी आप सुन लीजिए। यहाँ पे आए हैं, ये लड़की पक्ष का घर है और देख सकते हैं यहाँ पे भी जबरदस्त उत्साह है लोगों के बीच में
ये लड़की पक्षी का घर है और तुम लोग को लिख के दे भाई वाले जाओगे ये आधा दूंगा हवा हो जाएगा लोगों में बहुत जबरदस्त उत्साह है। चलिए मिलते हैं लड़की के जिन्होंने जो है उसकी राजरानी की शादी कराई है उनके अभिभावक एक तरह से कहा जाएगा शादी पोषण किया उसको सुपारी दिए थे दो दो आदमी को सुपारी दे दिए अभी उसके बाद जनता चालू कर दिए झूमने के लिए हम लोग खाना पीना खवा लें। अच्छा मंत्रोच्चार वगैरह कुछ हाँ निमंत्रण दिए थे हम लोग सुपारी दिए मुंह से बोले थे प्यार मोहब्बत से हाथ जोड़े थे दोनों की भैया हमारे द्वार पे आना सब खाना ओके रहेगा सब साथ क्या बारात आज लौट के आई हाँ हाँ आज बारात 28 का इसका डेट था 28 को 12 बजे दुबरा लगा हमने 4-5 बजे इसको विदाई किया हाँ खाना पीना खवा पिया के हमको लोग को विदाई की। नाम बताओ नाम है कमलेश केसरी मौजूदा। उत्सव में हम लोगों को बुलाया गया कि आप आइए गांव के क्षेत्र के कलाकार हैं आप कुछ अपना जो बने टूटा फूटा याद रखें। हम लोग आए सर राजरानी और राजपाल का स्वयंवर देख करके एक गीत प्रस्तुत किया था सर कि दूल्हे राजा चले ससुरार उड़ावे फुलझरिया दूल्हे राजा चले ससुरार उड़ावे फुलझरिया ग्राम सभा महुली से चलली बरतिया बहुली गवना में पड़ली जलवसिया दुनौ समधि मिले गलदार उड़ावे फुलझरिया राजपाल राज रानी आरती उतरी है जब वो शादी जो के हुआ था तो हम लोग उसका शादी कर दिए थे हमारे बगल में एक केसरवानी थे वो हिंदू है कमलेश केसरवानी हमने उनके हमारे कुत्ता से उनके कुत्ते से संपर्क हो गया उसी से हम लोग शादी कर दिए थी हमने भैया बाजा भी किए गाड़ी भी किए बराती भी हमारे गए विराह भी करे बहुत धूमधाम से शादी हुई थी पूरा व्यवस्था भी अच्छा हुआ था।